ईडन गार्डन पर अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर के 150 वनडे शतक के रिकॉर्ड की बराबरी विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर की। इसी के साथ क्रिकेट जगत में उनका कद अब और भी विराट हो गया है। भारतीय नौसेना में कार्यरत महिला सैनिकों, सेलर्स और एयर वॉरियर्स को भी अब मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को 3 दिन के निजी दौरे पर उत्तराखंड में हैं। वे केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए उन्होंने पूजा अर्चना की। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कई बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। अजित पवार के समर्थक भी उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में ही पेश करते हैं। अब डिप्टी सीएम अजित पवार की मां ने भी अपने बेटे को सीएम बनाने की इच्छा जताई है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निर्देशालय के आग्रह पर महोदय सट्टेबाज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके साथ ही 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश भी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में डर का माहौल बना रही है। इस देश का लोकतंत्र मजबूत बना रहे इसके लिए भाजपा को विपक्ष को जिंदा रखने देना होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में प्रचारार्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह गोंदिया के बिरसी विमानतल पर पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद सुनील मेंढे ने सबसे पहले उनकी अगवानी कर स्वागत किया। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम ने दिवाली सीजन के दौरान यात्री किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। दिवाली के मौके पर होने वाली भीड़ का फायदा उठाने के लिए एसटी निगम ने अपनी सभी तरह की बसों का किराया 10% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि वायु प्रदूषण को देखते हुए ऑड इवन वाहन प्रणाली 13 से 20 नवंबर तक 1 सप्ताह के लिए लागू रहेगी। इसके साथ ही दिल्ली में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाएं बंद रहेगी। पूर्व नौसेना कमान ने विजग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण रविवार को आयोजित किया गया। इस विशाल आयोजन के लिए 12,000 से अधिक लोगों का पंजीयन हुआ था।